मेरठ में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों की उदासीनता से इसकी बिक्री बंद नहीं हो रही है। बेजुबान पक्षियों के अलावा इंसान भी इसका शिकार बन घायल महराज हो रहे हैं। दर्जनों लोग मांझे से अपनी गर्दन के अलावा हाथ पैर भी कटवा चुके हैं। सोमवार को करीमनगर में बाइक सवार एक युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। उसकी गर्दन पर डॉक्टरों को 7 टांके लगाने पड़े। हापुड़ रोड के ग्रीन अस्पताल में रक्त रोकने को डॉक्टरों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। फिलहाल उसकी हालत सही है। थाने पर कोई तहरीर इस मामले में घायल की ओर से नहीं दी गई। लोहियानगर के हुमायूं नगर निवासी महराज पत्थर लगाने का काम करता है। सोमवार को वह बाइक से करीमनगर जा रहा था। करीमनगर के पास बिजली के तार से चाइनीज मांझा काफी नीचे तक लटका हुआ था। महराज बिजली के तार के नीचे से निकला तो मांझा उसकी गर्दन से लिपट गया। चलती बाइक के कारण मांझे ने गर्दन को बुरी तरह से काट दिया। वह लहूलुहान होकर चीखता हुआ नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने आकर उसे उठाया। गंभीर हालत में महराज को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने गले पर 7 टांके लगाकर रक्त सराव रोका।